और कौन से लोग ये समझते थे और हम आकर बोलते भी थे कि आप क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। लोग मुझ पर तंज मारते थे और कहते थे कि सऊदीन ओवैसी तुम्हारी शेरवानी हैदराबाद तक अच्छी है, तुम्हारी शेरवानी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। मैं उनसे कहता था कि नहीं, मेरी शेरवानी का सवाल नहीं है, मेरी सोच का सवाल है, मेरी जुस्तजू का सवाल है, मेरे पैगाम का क्या मतलब, क्या माने निकलेगा, वो आवाम इसको तय करेगी। हमने जुस्तजू की, हमने मेहनत की, आपने हमारा साथ दिया, कुर्बानियां भी मजलिस के अराकीन ने और तब जाकर अल्लाह ने औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से इम्तियाज जलील को कामयाब और कामरान कर दिया। पार्लियामेंट को गए तो मुझे बीजेपी के बहुत बड़े सीनियर एमपी ने मुझसे मिलकर कहा कि आपको मुबारकबाद देता हूँ ओवैसी साहब। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक बात की बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा प्यारे 300 पार्लियामेंट की सीट जीते उसके बाद भी तुम्हारे पेट में दर्द है, मैंने कहा मुझे मालूम तुमको तकलीफ क्या है। बोले क्या है बताओ। मेरा ये जो खूबसूरत नौजवान चल कर आ रहा है इसकी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पेट में दर्द है। बिल्कुल सही, इम्तियाज की कामयाबी हमारी रातों की नींद भरा हुआ है। पैठन के तमाम राजनेताओं का अपील कर रहा हूँ, जब इम्तियाज जलील औरंगाबाद पार्लियामेंट की सीट से कामयाब हो सकता है तो कोई ताज्जुब है बात नहीं, कोई चौंका देने वाली बात नहीं कि 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमारा भाई पुराना घोटर राठौर भी कामयाब हो रहा है। इतना करना है, एतमाद पैदा करो अपने दिलो दिमाग में, नौजवानों कॉन्फिडेंस पैदा करो। याद रखो जिस दिन तुम अपने दिलो दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा कर लोगे और तुम ये तय कर लोगे कि कोई मैं का लाल आ जाए अगर तुम्हारे दिमाग में बात पैदा होगी कि बीजेपी है उसके पास मोदी है उसके पास अमित शाह है अमित शाह की चालाकी है, अगर तुम्हारा दिमाग खून से ये बोलेगा कि शिवसेना के सैनिक है, अगर तुम्हारा दिमाग खून से बोलेगा कि पुरानी बूढ़ी कांग्रेस है, अगर तुम्हारा दिमाग खून से बोलेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस है तो मैं पैठन के तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अब दिमाग से नहीं अपने दिल से काम लो। अपने दिमाग को कहो कि तूने 70 साल हमको धरा धरा कर रख दिया, अब दिल से प्रहलाद राठौर को डालेंगे, क्योंकि जब दिल दिमाग पर गालिब हो जाता है तो वो इंसान जिसका दिल दिमाग पर गालिब हो जाता है उसके सामने कोई कद्दावर शख्सियत की अहमियत नहीं, वो अपने आप को बड़ा समझता। तो बड़ा समझो अपने आप को, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो, तुम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो, ना हम तुमको बनने देंगे इंशाअल्लाह। भारत के अपने दर्जे के शहरी हो, जितना हक भारत पर मोदी और उद्धव ठाकरे को है उतना हक इम्तियाज जलील को भी हासिल है। भारत पर कांग्रेस के लीडरों को है उतना हक हमारे भाई प्रहलाद राठौर को भी है। ये लड़ाई हमारी हक की लड़ाई है, हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारे इंसाफ की लड़ाई है, हमारे वो इज्जत और वकार को जिसको इन पार्टियों ने चुकना चूर कर दिया
वो इज्जत और वकार को हासिल करने की लड़ाई है, ताकि कल जब तुम और मैं दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं वो कल जवान होकर हमसे ये ना कहे कि बताओ तुमने अपनी जवानी को किस तरह लुटा दिया कि तुमने हमको मुकाम नहीं दिलाया। तो इन बच्चों के मुस्तकबिल के रोशन करने के लिए मैं पैदल की आवाज से अपील कर रहा हूँ कि आगे बढ़कर मजलिस के उम्मीदवार जनाब प्रहलाद राठौर साहब को कामयाब करिए। और जो लोग ये समझते हैं कि पैसा जीतेंगे, अरे ये सवाल मत पैदा अपने दिल में दिमाग में पैदा हो गए। जंग जब शुरू होती है तो इस बुनियाद पर जंग का आगाज करना चाहिए कि मैं दुश्मन को हराऊंगा, उसको कारखाने से करूंगा, मैं पर मजलिस का झंडा ले रहा हूँ। पैगाम मैं आपको देने आया हूँ। अब रहा सवाल बीजेपी का, रहा सवाल हमारे वजीर आजम का, अब हम क्या बोल सकते वजीर आजम के बारे में? हिंदुस्तान के वजीर आजम को अपना इलेक्शन का कैंपेन अमेरिका से शुरू कर दिया। अच्छा, अगर बोल देते बीजेपी के लिए तो समझ में आता, मगर कहती अपनी बात ट्रंप की सरकार, ट्रंप की तारीफ कर दी। मोदी जी ट्रंप का हाथ पकड़ कर ऐसा चल रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था कि वो पुराने आशीष कर रहे हैं। क्या मोहब्बत है यार, साल तक मोदी और ट्रंप की मोहब्बत की दास्तानों की किताबें लिखती है। मगर मोदी जी हमको क्या मिला है अधिकार, आपने तो ट्रंप के लिए कह दिया इसकी सरकार, मगर भारत की सरकार को क्या मिला? आपको तो बहुत पब्लिसिटी मिल गई, पूरे टीवी के चैनलों ने आपको ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया जैसा कि आप अमेरिका से खजाना लाने वाले, ऐसा खजाना लाने वाले हैं कि भारत के गरीबों को फायदा होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, मगर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान के वजीर आजम अमेरिका को भी गए, ह्यूस्टन को गए, न्यूयॉर्क को गए, और जब वापिस आए तो कुछ नहीं मिला। क्या मिला भारत को ये बताओ? आज की मकबूलियत में इजाफा, क्या ये भारत का फायदा हो? क्या ये भारत के उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी? आज हमारे वतन अजीज में महाराष्ट्र में किसान रुद्रसी कर रहा है, नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहा है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे हैं कि सब भूल जाओ, मुझे देखो, मैं अच्छे दिन लाऊंगा। मेरे भाई अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टी को कामयाब करिए। अब रहा सवाल ये कांग्रेस का, क्या बोलना है इनके बारे में, क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? अगर कोई कश्ती समंदर में चलती है और समंदर में कश्ती जब डूबना शुरू होती है तो कश्ती का जो कप्तान होता है वो पहले पूरे लोगों को डालता कि तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहां से। मगर कांग्रेस की कश्ती जब समंदर में डूब रही थी तो सबसे पहले इनका ही कप्तान डूब के भाग। अब आप बताइए, जो अपनी कश्ती को तूफान के भंवर से नहीं निकाल सका वो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का क्या मुकाबला करेगा? बल्कि महाराष्ट्र में अगर कोई आज और कल और मुस्तकबिल में कोई सही मानों में, हकीकी मानों में अपोजिशन का रोल अदा कर रही है और करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्टी होगी। क्योंकि मुझे एक और जलसे में जाना है औरंगाबाद में, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमारे भाई प्रहलाद राठौर की कामयाबी के बाद मैं फिर से आऊंगा और आपके दरमियान में तब्दीली होने की।